जीत जाइएगा तो पहला विकास वैशाली में क्या कीजिए? पहले रिजर्व में तो हवाई अड्डा बनवाएंगे। हवाई अड्डा पर अकेले बनवा? हवाई अड्डा पर लेकिन माने हमारा वहाँ पे जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी का से मांग करेंगे। क्या लगता है कितना वोटों से जीतेंगे? अब कह रहे ना कटी हम बल्कि माने 5 लाख 8 2 लाख वोट से हम बल्कि जीतेंगे। 2-4 लाख वोट? हाँ, 2-4 लाख वोट से हम जीतेंगे। हमें इसलिए राम राज कैसे बनाइएगा? राम राज इसलिए माने जो सृष्टि के कल्याण होगा, ऐसा ऐसा जनहित के लिए हम कानून हम लागू करेंगे जो जनता के डायरेक्ट फायदा होगा। तो वही छकवा छकवा लोग कहता है, छकवा छकवा कहता है कि माने हिजड़ा कहता है, और उनका हम तो जनता का भविष्य चमकाने की नीति से चुनाव लड़ रहे। जनता का कल्याण करने की नीति से चुनाव लड़ रहे वो सब। बाबा एक सवाल है कि क्या बाबा आपके प्रचार में योगी जी भी आएंगे क्या? क्योंकि आपके योगी जी की तरह दिख रहे हैं। हम जीतेंगे तो हम नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री हमें आएंगे। मोदी जी से मिलने का इच्छा है? मोदी जी से मिलना हम चाहते हैं। मोदी जी का योगी जी से ना, योगी जी से हम फिर मिलना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर से मांग हम करेंगे कि हमारे वैशाली का विकास करने के लिए हवाई अड्डा चाहिए। उसके बाद दूसरा काम? दूसरा काम एम्स बनवाएंगे। कहाँ एम्स बनवाएंगे? वैशाली में एम्स बनवाएंगे। अच्छा। ये मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। मेडिकल कॉलेज चाहिए ना वैशाली में? वैशाली में मेडिकल कॉलेज बल्कि मैंने बनवाएंगे प्योर वैशाली में घर पर। जो सन्यासी बाबा, एक सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा समय कम है, कैसे प्रचार प्रसार करिएगा? कैसे प्रचार प्रसार बल्कि माने हम करेंगे, बल्कि माने जनता का, बल्कि माने जनता यही भीड़ रहेगा। ये जो बल्कि माने और जो जनता लोग भी उनने है। देखिए इस वक्त मुजफ्फरपुर समाहरणालय में वैशाली संसदीय क्षेत्र से एक प्रत्याशी है जो कि साधु सन्यासी है, और ये अभी नामांकन भर के बाहर लौटे हैं। बहुत सारे इनके जो है मुद्दे हैं, जो मुद्दे को लेकर लगातार जो है कि वैशाली में घूम रहे थे, आखिरकार आज जो है नामांकन दे दिए हुए हैं। क्या लग रहा है वैशाली को कैसे सुधारें? वैशाली का बल्कि माने हम जनता का कल्याण करने की नीति से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो माने राम राज स्थापित होना चाहिए वैशाली का, जो गरिमा है, जो नेता लोग बल्कि गरिमा का बल्कि माने डुबा दिया हुआ है। कौन डुबाया है? नेता लोग जो माने जो वैशाली का जो एमपी एमएलए बनने के काम किया, मिनिस्टर बनने के काम किया, वैशाली का चमकाने के काम नहीं किया। यहाँ पर जो वैशाली पूरा विश्व में इसलिए राम राज कैसे बनाइएगा? राम राज इसलिए माने जो सृष्टि का कल्याण होगा, ऐसा ऐसा जनहित के लिए हम कानून हम लागू करेंगे जो जनता के डायरेक्ट फायदा होगा। तो वही तो रामराज है। अच्छा। रामराज है। ये रामराज का ये मतलब नहीं है कि दंगा फसाद करना, जो विपक्षी लोग बल्कि हवा उड़ा दिया हुआ। कानून आप ही बना दीजिएगा। आखिर जनता हमारा ऊपर से बनके आएगा तो आप कैसे बनेंगे? जनता बल्कि संसद भवन में मैं पहुंचाएगा तब तक बल्कि हम मांग करेंगे कि ऐसा कानून बनना चाहिए जनता के हित में, जो डायरेक्ट जनता का बल्कि मन हित में होना चाहिए। जो अभी हम देखे हैं एक किन्नर का हम देखे हैं, जो बल्कि माने किन्नर जो होता है, जो लोग कहता है कि छकवा छकवा लोग कहता है, छकवा छकवा कहता है कि माने हिजड़ा कहता है, और उनका तो वो बल्कि माने हिजड़ा के कोई काम नहीं देता है, पढ़ लिख के कोई अधिकारी नहीं बन सकता है, कोई अफसर नहीं बन सकता है, तो मजबूरन बल्कि क्या करेगा, वो अपन टीम बना के जितना किन्नर है वो ट्रेन में जाएगा, भिक्षा मांगेगा, आपका भी आएगा, गाएगा बजाएगा, बधैया मांगेगा, और ये हो गला के बाद में। तो इस पर नेता लोग के कहीं नहीं ध्यान है। इसका 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 जनसंख्या कम है, इसका वोटर वोट नहीं है, तो बल्कि इसका बल्कि माने इसका जो हक अधिकारी चाहिए उसका कहीं नहीं मिलेगा। जो विदेश से आया हुआ है, जो यहाँ का जो बल्कि पावन धरती का बल्कि माने है किन्नर, जो भगवान शंकर का 2-300 का आंकड़ा है, तो उससे चुनाव जीत जाइएगा। सुनिए, चुनाव हारना जीतना वाला कोई बात नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो बल्कि जो हक अधिकारी है उसको मिलना चाहिए। हक अधिकारी? क्या लगता है कितना वोटों से जीतेंगे? अब कह रहे ना कटी हम बल्कि माने 5-8 2 लाख वोट से हम बल्कि जीतेंगे। 2-4 लाख वोट? हाँ, 2-4 लाख वोट से हम जीतेंगे। हाँ। और कहाँ से है सब, कहाँ से आएगा ये सब? जनता का सहयोग से बल्कि आएगा। जनता एक तरफ मुन्ना शुक्ला है बाहुबली, और दूसरी तरफ बीना देवी है पूरा। कैसे आपका सुनिए ना, अब हम आपको बता रहे हैं, वो सब बाहुबली है एक तरफ बल्कि करोड़पति खरबपति है, लेकिन वो सब धन बल के बाहु धन बल से चुनाव लड़ रहे। हम जनता के, हाँ, हम जनता के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। धन जन बल पर आपका गाड़ी है, गाड़ी पे घूमिएगा, कार से कि साइकिल से? अब जनता बल के हमारा जैसे घुमाएगा वैसे हम घूमेंगे। हम पैदल घूमेगा? जैसे घुमाएगा वैसे हम घूमेंगे। हम तो जनता का भविष्य चमकाने की नीति से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कल्याण करने की नीति से चुनाव लड़ रहे, वो सब चुनाव लड़ रहा है। माने धन का बढ़ाने की नीति से चुनाव लड़ रहा है। वो सबका बल्कि माने जीतेगा तो उसका बाल बच्चा पत्नी वो सबका भविष्य चमकेगा। बाबा एक सवाल है कि क्या बाबा आपके प्रचार में योगी जी भी आएंगे क्या? क्योंकि आपकी योगी जी की तरह दिख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं उनका प्रत्याशी भी खड़ा, उनके गठबंधन प्रत्याशी भेजा जाएगा।
पछताओ तो आपका चैनल के माध्यम से वो जाएंगे वो बल्कि हम जाएंगे तो वो बल्कि हमारा प्रचार करना आना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम जीतेंगे तो हम नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बीना देवी दिया कह रहे हैं, बीना देवी दिया लोग कहता है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर बीना देवी के दे रहे हैं वोट, आ चिराग पासवान के पार्टी के नाम पर हम दे रहे हैं वोट, वो काम किया या नहीं किया वो से कोई मतलब नहीं। अरे बल्कि माने बीना देवी जीतेगा तो क्या गारंटी कि नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करेगा? आप चिराग पासवान के पार्टी के नाम पर आप दीजिएगा वोट के हमारे समाज का नेता का बल्कि कैंडिडेट है तो ये जीतेंगे तो चिराग के पार्टी का मजबूत होगा, तो क्या गारंटी कि चिराग के पार्टी को मजबूत करेगा? दल बदलुआ औरत है, दल बदलुआ औरत कहीं भी जा सकते। सन्यासी बाबा समय कम है, कैसे प्रचार प्रसार करिएगा? कैसे प्रचार प्रसार बल्कि माने हम करेंगे, बल्कि माने जनता का बल्कि माने जनता यही सब भीड़ रहेगा, ये जो बल्कि माने और जो जनता लोग भी उन्ने है और उन्ने है जो गेट के बाहर है और एकरा अलावा हम वो नहीं है। अच्छा, जीत के क्या करिएगा बाबा ये बताइए, जीत जाइएगा तो पहला विकास वैशाली में क्या कीजिए? पहले रिजर्व में तो हवाई अड्डा बनवाएंगे, हवाई अड्डा अकेले बनवा, हवाई अड्डा बल्कि माने हमारा वहाँ पे जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री जी का से मांग करेंगे, लोकसभा स्पीकर से मांग हम करेंगे कि हमारे वैशाली का विकास करने के लिए हवाई अड्डा चाहिए। उसके बाद दूसरा काम एम्स बनवाएंगे। कहाँ एम्स बनवाएंगे? वैशाली में एम्स बनवाएंगे, ये मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, वैशाली में मेडिकल कॉलेज बल्कि माने बनवाएंगे प्योर वैशाली में गढ़ पर। अच्छा, जो भगवान बुद्ध का जो कर्म भूमि। उसके बाद क्या बनवाइएगा? उसके बाद में बल्कि इस पर बल्कि माने जो गरीब मजदूर का जो घूस घास लेता है तो अफसर लोग काम करता है, घूस ना दीजिएगा काम में नहीं करेगा, तो इस पर बल्कि माने मोदी जी से मिलने का इच्छा है? मोदी जी से मिलना हम चाहते हैं, मोदी जी का योगी जी से हम फिर मिलना चाहते हैं। हाँ, और कहा है ना कट की जीतेंगे तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। और ये कहा है ना कट के ये सब बल्कि जो बल्कि मैंने आप कह रहा है कि एनडीए गठबंधन से बीना देवी है और बीना देवी है एनडीए गठबंधन से, उनको बल्कि मोदी जी के नाम पर योगी जी के नाम पर उनको बता दिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बाल सन्यासी बाबा, बाल सन्यासी बाबा विश्व श्री राम सन्यासी बाल सन्यासी बाबा। और ये जो है चुनाव लड़ रहा है वैशाली संसदीय क्षेत्र से, नामांकन कर दिए है और ये अभी जो है अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, राम राज स्थापित करना चाहते हैं ये वैशाली संसदीय क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।